किडनी 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 प्रॉब्लम। इस रेनी सीजन में, मतलब ये जो अगस्त और सितंबर महीने में ना, किडनी प्रॉब्लम मस्ट हो चुका है। मतलब कि पोल्ट्री में किडनी प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और उसके साथ साथ इकोलाई प्रॉब्लम भी होता रहता है इस टाइम पे। तो चलो देखते हैं मैं कैसे ये किडनी प्रॉब्लम का सामना करता हूँ। नमस्कार मेरे फार्मर भाइयों, वेलकम टू आवर चैनल आनंद फार्मिंग। आज ये मेरा फार्म का सातवां दिन का चिक्स है। तो कल अचानक से देखा ना कि मेरा मॉर्टलिटी का जो परसेंटेज है बहुत हाई हो गया, मतलब पूरा ज़्यादा ही मॉर्टलिटी हो चुका है। तो मैं तभी देख कर ही समझ गया ऊपर से ही सारा किडनी प्रॉब्लम आ चुका है, क्योंकि इस टाइम पे किडनी प्रॉब्लम तो आता ही रहता है। मैंने सोचा था 9 दिन के बाद ही स्टार्ट करूँगा मेडिसिन, बट जब मॉर्टलिटी होने लगा है तो अभी से, मतलब कल से ही स्टार्ट कर दूँगा। हो सके तो आज से भी स्टार्ट कर सकते हो रात के पानी में। तो मैंने सोचा एक उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देते हैं। अगर आप लोगों के फार्म में भी ये मोर्टलिटी ज़्यादा हो रहा है, अगर समझ पा रहे हो तो सही है, बतना आप पोस्टमार्टम करके भी देख सकते हो। पहली बात पोस्टमार्टम करके देख लेना किडनी के अंदर सूजन है कि नहीं, मतलब कि सूजन होगा और हार्ट के अगल बगल में पानी भी रहेगा तो समझ जाना ये किडनी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, अगर सही टाइम पर अगर चिक्स में किडनी का मतलब ट्रीटमेंट अगर नहीं किया गया ना, वो बाद में IVH हो जाएगा, मतलब कि किडनी का सेकंड स्टेज, उसमें तो मतलब मोर्टलिटी परसेंटेज बहुत ही हाई हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा, तब संभाल नहीं पाओगे। बट अगर IVH भी अगर होता है, उसका भी कुछ मैं सिम्टम वगैरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि थोड़ा मतलब कि 20 दिन के बाद ही ऐसा देखा जाता है कि 20 दिन के बाद ये आता है, मतलब बाढ़ में तो वो झूमने लगेगा, बाढ़ से अगर देखोगे झूमने लगेगा बस। और अगर पोस्टमार्टम करके देखो तो लीवर का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, साथ में वो हार्ट के अगल बगल में पानी रहेगा और किडनी तो सूज ही जाएगा पूरा। और सबसे बढ़िया तरीका है उसे जानने का, बर्सर का साइज ना बड़ा हो जाएगा, तब समझ लेना ये 100% IVH है, मतलब किडनी इन्फेक्शन का सेकंड स्टेज है। तो उससे अच्छा है कि अगर चिक्स में ही किडनी, मतलब इस सीजन में, इस टाइम में कि इस चिक्स पे ही किडनी का कुछ सिम्टम दिखे तो तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, क्योंकि मोर्टलिटी अपने आप ये हाई हो जाता है किडनी सीजन में, ऐसे ही मोर्टलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं किडनी प्रॉब्लम के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि फिलहाल आज तो मैंने स्टार्ट किया नहीं, कल से स्टार्ट करने वाला हूँ। या रात के पानी में कभी ये मैंने, मतलब कभी मैंने स्टार्ट किया नहीं, कल से ही स्टार्ट करूँगा। ये रहा, ये जो है सिस्टोन टैबलेट हिमालयन कंपनी का। पहले बता देते हैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई पैसे वगैरह हमको देगा नहीं, क्योंकि मैं देता हूँ इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ हिमालयन का सिस्टोन टैबलेट। और उसके साथ यह पेंटेड 400, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं बहुत वीडियो में ऐसे बताऊँ। तो इसको डोज़ कितना देना है, पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से एक सिस्टोन टैबलेट और एक पेंटेड 400, मतलब आपका चिक्स का कितना वेट है ये पहले देख लेना, उसके साथ पर टोटल चिक्स का कितना वेट होता है उसके हिसाब से। अगर मान के चले आपका टोटल चिक्स का बॉडी वेट हो रहा है कि 300 kg, तो 3 सिस्टोन टैबलेट और 3 पेंटेड 400 सुबह के पानी में जितना जल्दी हो सके इसे पिला दो, बराबर ना, क्योंकि मेडिसिन पानी ऐसे ही चिक्स कम पीता है। और किडनी के टाइम अगर पानी ही कम पिएगा तो भाई वो भी तो दिक्कत है, इसलिए पहले मेडिसिन पानी जितने भी जल्दी हो सके पिला दो, उसके बाद नॉर्मल पानी स्टार्ट करो। और एक चीज़ का बहुत
ध्यान रखना, क्योंकि अभी इकोलाई भी आता रहता है, तो इसलिए पानी का जो जो भी आप लोग वाटर प्योरीफायर मतलब यूज़ मतलब देते हो, या एसिटिक एसिड हो, या ब्लीचिंग हो, या फिर मैं तो ब्लीचिंग का यूज़ करता हूँ, तो उसका थोड़ा ना मात्रा ज़्यादा कर दो। तो ये रहा किडनी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट। अगर वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे, फ़ायदे का लगे, तो एक लाइक कर देना, शेयर कर लेना, और अभी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा प्रॉब्लम लेकर। और आप लोगों को फार्म में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।